हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी दही भल्ले या दही वड़ा आप इसे कह लें। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, आपके दही भल्ले हमेशा अच्छे बनेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दही वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम उड़द का दाल लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मूंग का दाल भी मिक्स कर सकते हैं। इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रखा था और अब इसे मैं पीस लूँगी। पानी एकदम थोड़ी मात्रा में डालना है जिससे कि उड़द के दाल को मदद मिल सके ग्राइंड होने में। तो सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा सूखा पीस कर, इस तरह से जब कंसिस्टेंसी आ जाए तो इसे एक बार घुमा लें चम्मच से और फिर थोड़ा सा पानी डालें, करीब 3 से 4 बड़े चम्मच, और फिर अच्छे से मिक्स करके इसे पीस लेना है। जितना अच्छा बारीक पीस सकें आप उतना पीसना है इसे। अब यहाँ पर एक बार मैंने पीस लिया है तो बचा हुआ उड़द दाल भी इसी तरह पीस लूँगी। ये देखिए, इसे भी मैंने पीस लिया है। इसमें डालूँगी 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1/2 छोटा चम्मच काले मिर्च का पाउडर, फिर 1 बड़ा चम्मच जीरा और नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और करीब 2 घंटे के लिए इसे छोड़ दूंगी मैं फर्मेंट होने के लिए। यहाँ पर देखिए, पूरा उड़द का दाल इस तरह से एक साथ इकट्ठा होकर एक लंप की तरह घूम रहा है। फर्मेंट होने के बाद ये भगोने में चिपकने लगेगा, यानी कि ये थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो इससे ये उड़द का दाल भगोने में चिपकने लगेगा। तो इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करके करीब 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैटर थोड़ा सा हल्का हो गया है। अब इसे हाथों की सहायता से अच्छे से फेंट लेना है ताकि ये थोड़ा और लाइट हो जाए। करीब 5 से 7 मिनट के लिए इसे इस तरह से गोल घुमाते हुए अच्छे से फेंट लें। फेंटते फेंटते आपको खुद ही इसकी कंसिस्टेंसी में फ़र्क दिखने लगेगा। ये बैटर हल्का होता जाएगा, यानी कि इसमें एरिएशन होने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हल्का हो गया है। अगर आपको चेक करना हो कि ये आटा अच्छे से फूला है कि नहीं, तो आप थोड़ा सा बैटर इस तरह से पानी में डालें। अगर वो तैर रहा है, इसका मतलब कि ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है। 1.5 से 2 मिनट तक इसे फेंट कर इसके मैं वड़े बना लूँगी। एक तरफ तेल गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने। थोड़ा सा बैटर डालकर आप तेल को चेक कर लें। अगर ये बैटर तेल में तैर कर ऊपर आ जा रहा है, इस तरह से सिजल कर रहा है, इसका मतलब कि ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। और इस छोटे से टुकड़े से आपको ये भी पता चल जाएगा कि बड़े फूलेंगे या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छे से फूल गया है ये छोटा सा बैटर। तो अब इस बड़े के बैटर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस तरह से हाथों में लेकर तेल में इसके पकौड़े तल लें। तो इस तरह से छोटा छोटा इस तरह से गोला आप तेल में डालते रहें। आंच को एकदम मीडियम हीट पर रखा हुआ है मैंने, ताकि बड़े अच्छे से अंदर तक पक जाए। अगर आप तेज़ आंच पर इसे पकाएंगे तो ऊपर से रंग तो ज़रूर बदल जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से इसे तल कर सुनहरा होने तक तेल में तल लेना है। एक बैच को 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा लो से मीडियम हीट पर सुनहरा होने के लिए। तो इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आप इसे फ्राई कर लें ताकि ये चारों तरफ से सुनहरे हो जाए। तो यहाँ पर ये
बड़े जो सुनहरे होने लगे हैं इसे मैं तेल में से निकाल लूँगी और तुरंत इसे गुनगुने पानी में डाल लेना है, जिससे कि ये पानी सोख कर और नरम हो जाएंगे। अब मैं भगोने में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा हींग डाल लूँगी, करीब 1/4 चम्मच, फिर नमक स्वाद अनुसार, और इसे गुनगुना गरम कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लें इसे और गुनगुने पानी में बड़ों को इस तरह से डाल दें करीब 45 मिनट के लिए, ताकि वे अच्छे से फूल जाएं। जब तक बड़े फूल रहे हैं तब तक मैं दही तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने करीब 500 ग्राम दही लिया हुआ है, इसमें करीब 100 ग्राम चीनी डालकर अच्छे से फेंट लेना है, इसमें गुठलियाँ ना रहें। फिर करीब 40 से 45 मिनट बाद एक एक बड़े इस तरह से निकाल कर थोड़ा सा निचोड़ लें, पूरी तरह नहीं निचोड़ना है, इसका आधा पानी निकल जाए बस। और फिर इन सब को एक बाउल में इस तरह से लेकर दही इस पर मैं डाल लूँगी। अच्छी क्वांटिटी में दही डालें, मीठी दही से इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। फिर दही डालने के बाद इस पर मैं हरी चटनी और मीठी चटनी डालूँगी, चटनी से एक चटपटा टेस्ट आ जाता है इस पर। तो यहाँ पर ये मैंने तीखी चटनी डाल दी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चटनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तीखा पसंद हो तो तीखी चटनी ज़्यादा डालें, मीठा पसंद हो तो मीठी चटनी ज़्यादा डालें। फिर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इस पर छिड़क लूँगी, फिर थोड़ा सा चाट मसाला और जीरा पाउडर थोड़ा सा छिड़क लेना है इस पर, थोड़ी थोड़ी मात्रा में छिड़कें तो एक अच्छा चटपटा टेस्ट मिल जाएगा इसे। तो हमारा टेस्टी दही बड़ा यहाँ पर तैयार है, किसी भी ओकेशन पर इसे बनाएं। लगभग सभी को दही बड़ा बहुत पसंद आता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।